भारत देश ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रहा है। हम यहाँ पर बाबा कल्लीनाथ के विषय में आप सब दर्शकों को जरूर जानकारी देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्री बाबा कल्लीनाथ महाराज जी की याद में विशाल हवन का आयोजन जो है वो श्रद्धालुओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। खास बात ये है कि यहाँ पर स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह के का परिवार जो है यहाँ पर हवन में अहम भूमिका निभा रहा है। और ख़ास तौर से हम आपको बाबा कल्लीनाथ के विषय में एक ख़ास जानकारी और देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं महायोगी बाबा कल्लीनाथ का चित्र है और इसके पास आप यह देख सकते हैं कि देवी देवताओं की गाय माता जो है कल्ली बाबा जो है गाय माता के प्रति अपना विशेष आकर्षण रखते थे। और आज भी मुरथल गांव से आगे बाबा कल्ली राम के आश्रम में विशेष रूप से वहां पर एक गौशाला भी है। और दूसरा हम आपको ये तस्वीर जरूर दिखा देना चाहते हैं कि यहां पर अखंड ज्योत जो है वो इस अवसर पर जरूर जलाई गई है। और आप देख सकते हैं कि गाय का बछड़ा जो है वो यहाँ पर दूध पीते हुए दिखाया गया है। और हवन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे एक साधु है, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। साधु आया है, यहाँ पर एक भंडारे का भी आयोजन जो है यहाँ पर चल रहा है। जिस तरह से बाबा कल्लीनाथ जी को आज याद किया जा रहा, भंडारा भी हो रहा, क्या कहना चाहते हो? कितनी खुशी है, हवन भी हो रहा। मुझे आज ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। बाबा कल्लीनाथ जी के आशीर्वाद से आज हम हैं, जो भी है बाबा जी के आशीर्वाद से ही है। और मुझे ये देखते हुए कि हम कुछ कर पाए, हल्का सा भी, एक कुछ मात्र भी नहीं है जितना बाबा जी ने हमारे को कर दिया। और मैं बाबा जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। जिस तरह से श्रद्धालु बता रहे हैं कि बाबा कल्लीनाथ की शक्ति से यहाँ जो है जो भी उनका आशीर्वाद लेता है उसके परिवार की शक्ति जरूर बढ़ती है। यहाँ पर एक साधु संत महात्मा जी आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा जी श्री धर्मनाथ जी है। अच्छा, धर्मनाथ जी, बाबा कल्लीनाथ के बारे में क्या कहना चाहते हो? आज उनको याद किया जा रहा है और विशाल भंडारा भी हो रहा है। बाबा कल्लीनाथ जी की तो महिमा परम्पार थी, वो ज्यादा संत कोई होया ना होगा। हेलो, रमते राम फकीर रहे, कभी उन्हें इच्छा नहीं करी किसी चीज़ की भी, है जी, हर वरदान दिया दुनिया को। अच्छा, जिस तरह से बाबा कल्लीनाथ जो है गौ माता से विशेष प्रेम करते थे और आज भी मुरथल क्षेत्र में उनके गौशाला जो है वो चल रही, क्या कहना चाहते हैं गौ माता को? गौ माता का जी हम तो ये कहते हैं साहब, सेवा करो और निस्वार सेवा करो, ये अपने आप ही वरदान देती है। गौ माता की सेवा तो गोरखनाथ जी ने की है जी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, और आज कलयुग में जो है सभी भक्त की सेवा में खुशी है। अब बढ़ चढ़ कर दान दो, इनकी सेवा करो बस, और अपनी माँ बाप की भी सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो। जिस तरह से बताया गया है कि गौ माता की सेवा करने के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा जरूर करनी चाहिए, इससे जो है परिवार की शक्ति बढ़ती है। और आप यहां देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है यहां पर श्रद्धालु जो है वो यहां पर हवन को अब पूर्ण आहुति दे रहे हैं। यहां हम कुछ और थोड़ा तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। यहां पर तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। यहां बाकायदा भंडारा जो है वो बाबा कल्लीनाथ की याद में तैयार हो चुका है। और भंडारे में खास तौर से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जलेबी का प्रसाद भी बनाकर तैयार किया गया है। थोड़ा जलेबी का प्रसाद दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलेबी का प्रसाद जो है खास तौर से भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया गया है। और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर
पूरी भी जो है भंडारे के लिए तैयार जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और श्रद्धालु महिला जो है यहाँ पर स्वयं पूरी को तैयार कर रही है। अब हम आपको इतना जरूर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कल्लीनाथ बाबा की अब आरती हो रही है, और सभी श्रद्धालु जो है श्रद्धा और आस्था रखते हुए बाबा को याद कर रहे हैं, और उनकी शक्ति जो है वो अपरंपार है। तो यहाँ पर बाबा कल्लीनाथ हमेशा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते। बाबा कल्लीनाथ का जिस तरह से आज यहाँ पर भंडारा हो है और आरती हो रही, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। हमारी मूर्तल में बहुत कृपा है इनकी, इन्हीं की वजह से मूर्तल डेवलप है। आज मूर्तल है तो इन्हीं की वजह से, नहीं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, जंगली था। इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसी सबको बरकत है, हमको भी, इनको भी, सारे मूर्तल को। बहुत बहुत खुशी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बाबा कल्लीनाथ की जो है आरती जो है यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो है वो कर रहे हैं, और बाबा कल्लीनाथ को याद करते हुए सभी श्रद्धालुओं के मन में एक ही इच्छा और शक्ति बनी हुई है कि बाबा कल्लीनाथ के आशीर्वाद से मूर्थल के ढाबे जहाँ फल फूल रहे हैं, वहीं यहाँ जो भी बाबा कल्लीनाथ के दर्शन करता है और उनके दरबार में शीश झुकाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।